सो फ्रेंड्स, मैशड पोटैटो पराठे के साथ हम बनाएंगे चना फ्राई। तो देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिए हैं 2 आलू, चना जिसको हमने रात को भिगो के रखा है, थोड़ी सी प्याज, जीरा, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, ये टमाटर की प्यूरी। मैंने 5 टमाटर लिए थे और उसको मिक्सी में पीस लिया। सो फ्रेंड्स, हमने थोड़ा सा तेल डाल लिया है। पहले हम चने को भून लेते हैं। हमने तेल डाल लिया है कढ़ाई में, 3 चम्मच तेल डाला है और हमारे ये चने फ्राई हो गए हैं। ये हमारे चने अभी फ्राई हो गए हैं। अभी हम प्याज और जीरा दोनों को एक ही साथ में ऐड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम डालते हैं टमाटर पाउडर, हम डालेंगे मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गाइस, हमने पहले टमाटर की प्यूरी डाली थी, फिर इसके बाद में हल्दी, मिर्ची, नमक, बस और कुछ नहीं। गाइस, अब इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, बन गई है टमाटर की ग्रेवी। तो अब हम इसमें डालते हैं फ्राइड चने। इसको पहले हमने बॉईल कर लिया था पोटैटो को, तो भी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। मिनट के लिए हम थोड़ा सा धनिया और लहसुन का पेस्ट जो है उसको ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, बन गई हमारी सब्जी भी, शीट पोटैटो पराठा। सो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आटा लिया हमने, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया की पत्ती, और इसको मैंने पहले ही उबाल के रखा है। यह है आलू, इसको मैश भी किया है। अब चलते हैं। तो अभी हमने धनिया, नमक, जीरा ऐड कर लिया है। अब इसमें हम पोटैटो डालते हैं। इसको पहले हम ऐसे मैश कर लेंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप ज़रूर बनाना। ये बच्चों के टिफ़िन में भी, या आप ऑफिस जाते हो तो सब में, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है। आप तो अभी हमने फ्रेंड्स हमने पराठे को बेल लिया है। अभी हम पराठे को सेक रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आटा गूंथते समय आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अपन ने पहले ही इसमें बॉइल्ड आलू डाल दिया है तो उसमें थोड़ा सा पानी रहता ही है। तो देख लेना, आप अपने हिसाब से गूंथ लेना। सो फ्रेंड्स, बन गई है हमारी मैश्ड पोटैटो पराठा। बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत सॉफ्ट बनी है ये। आप एक बार बनाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, सब्जी भी बन गई है हमारी, तो आप ट्राई ज़रूर करना। हम एक बार ट्राई करते हैं। बहुत ही टेस्टी है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपको ना पूड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको छोले की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।